नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास कार्यक्रम 2022 की बिसात में आप सभी का स्वागत है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव और भी दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी यूपी के महासंग्राम में कूद चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल सक्रिय है। कोई ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने में जुटा है तो कोई ओबीसी, एसीसी और मुसलमानों को रिझा रहा है। सभी के अपने अपने समीकरण हैं, जिनका विधानसभा चुनाव में असर भी संभवतः नजर आ सकता है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे सुल्तानपुर के सियासी समीकरण की, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। लखनऊ चले गए, कुछ दिल्ली चले गए, जितने थे सब यहाँ उजाड़े चले गए। दो दिन की जिंदगी में क्या हिंदू मुसलमान, जुम्मन मियां से कह के ये पाने चले गए। रफीक सादानी फैजाबाद के शायर थे, लेकिन ऊपर की लाइनों से आप पड़ोसी जिले सुल्तानपुर की मिजाज से भी जोड़ सकते हैं। अवध के इस जिले का बड़ा हिस्सा देहाती इलाके में आता है। रोजगार के साधन कम है, साक्षरता दर 69% है। ज्यादातर लोग खेती और बचे हुए छिटपुट दुकानदारियां करते हैं। इसीलिए जिन्हें मौका मिला दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में जा बसे और छोटा मोटा काम करके कमाने लगे। दिल्ली और लखनऊ के कैमरों की निगाह इस जिले पर ज्यादा नहीं रही, लेकिन 2014 के बाद दूसरे गांधी के इलाके के तौर पर इसे नया संदर्भ मिला। राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी से 32 किलोमीटर दूर ही बीजेपी के गांधी, वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र शुरू होता है। 4,440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला देहाती वोटरों और अवधी बोली वाला सुल्तानपुर, मजरू सुल्तानपुरी वाला सुल्तानपुर। अवध की शामों में जहां चाय की चुस्कियों के साथ अब चुनाव की बातें होने लगी है, यहाँ विकास की वो सभी संभावनाएं हैं जिनकी बात आजकल के घोषणा पत्रों में की जाती है। ब्राह्मण, मुसलमान और गैर यादव पिछड़ों की खासी आबादी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम और पूर्व के इलाकों में संस्कृति और बोलचाल का ही फर्क नहीं है, राजनीतिक तौर तरीके भी भिन्न हैं। पश्चिमी हिस्से को दिल्ली से नजदीकी का जो फायदा मिला है, पूर्व को लखनऊ से करीबी का वैसा फायदा नहीं हुआ। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव और भी दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी यूपी के महासंग्राम में कूद चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल सक्रिय हैं। कोई ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने में जुटा है तो कोई ओबीसी और एससी या मुस्लिमों को रिझा रहा है। सभी के अपने अपने समीकरण हैं, जिनका विधानसभा चुनाव में असर भी संभवतः नजर आ सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुल्तानपुर को भगवान राम के बेटे कुश ने बसाया था, इसीलिए सुल्तानपुर को कुश भवनपुर भी कहा जाता है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का 69वें जिले के रूप में जाना जाता है। इस शहर का नाम इस शहर के सुल्तान के नाम पर रखा गया है। गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर अपने KNIT यानी कि कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए पूरे देश में जाना जाता है। सुल्तानपुर में अंग्रेजों से पहले नवाबों का राज हुआ करता था। इस क्षेत्र में कुश काश के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। कुश काश से बनने वाले बाद की प्रसिद्ध मंडी यहीं पर है। प्राचीन काल में सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर था, जो कालांतर में बदलते बदलते सुल्तानपुर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सुल्तानपुर को दूसरे गांधी के इलाके के तौर पर नया संदर्भ मिला। राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी से 32 किलोमीटर दूर ही बीजेपी के गांधी, वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र शुरू होता है। 4,440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला देहाती वोटरों और अवधी बोली वाला सुल्तानपुर, मजरू सुल्तानपुरी वाला सुल्तानपुर। अवध की शामों में जहाँ चाय की चुस्कियों के साथ अब चुनाव की बातें होने लगी है। सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें इसौली, सुल्तानपुर, सदर, लंबुआ और कादीपुर शामिल है।
वहीं 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि सपा सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस और बीएसपी का यहां खाता भी नहीं खुल सका था। वहीं अगर 2012 की बात करें तो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यहां से खाता भी नहीं खुल सका था। सपा ने सभी पांचों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी यहां जीरो पर सिमट कर रह गई थी। तो जब देश भर में मोदी लहर चल रही थी तब भी इसौली विधानसभा सीट सपा के खाते में गई थी। हालांकि इसौली का सिंहासन पिछले लंबे वक्त से सपा के पास रहा है। यहां सबसे ज्यादा 4 बार सपा का कब्जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह यहां के मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। 2017 के चुनाव में सपा के अबरार अहमद ने बीजेपी के ओम प्रकाश पांडे को कड़ी टक्कर के बाद 4,241 वोट से चुनाव हरा दिया था। वहीं 2012 में भी अबरार अहमद ने सपा के सिंबल पर ही पीस पार्टी के यशभद्र सिंह को 13,941 वोट से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। विधानसभा इसौली के इतिहास में आजादी के बाद से अब तक बीजेपी का कोई नेता प्रतिनिधित्व नहीं कर सका है। तो वहीं इसौली विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। इस चुनाव में मतदाताओं ने नाजिम अली को विधायक चुना। इसके बाद 1957 में मतदाताओं ने कांग्रेस की ये सीट जनसंघ के पाले में डाल दी थी। उस समय जनसंघ के गया बक्स सिंह विधायक बने थे। 1962 में रामबली मिश्र विधायक बने और ये सीट फिर कांग्रेस की झोली में डाल दी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीपति मिश्र यहाँ से विधायक बने। जनता ने इस बार विधायक नहीं बल्कि प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनकर उन्हें भेजा था। चुनाव जीतने के बाद श्रीपति मिश्र सत्ता में रहते हुए साल 1982 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो वहीं 1985 के चुनाव में इस बार भी कांग्रेस ने बाजी मारी और जय नारायण तिवारी विधायक चुने गए। 1996 में जय नारायण तिवारी कांग्रेस से बागी हो गए और हाथी पर सवार हो गए और इंद्रभद्र सिंह को हरा दिया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के अबरार अहमद ने सीट पर कब्जा किया और 2017 में भी अपनी जीत बरकरार रखी। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं कि सौली का सियासी समीकरण क्या कहता है। सौली विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। इस चुनाव में मतदाताओं ने नाजिम अली को विधायक चुना था। इसके बाद 1957 में मतदाताओं ने कांग्रेस की ये सीट जनसंघ के पाले में डाल दी थी। वहीं सुल्तानपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को छीन लिया था। 2017 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सूर्यभान सिंह ने बीएसपी के मुजीब अहमद को 32,393 वोट से चुनाव हराया था। इसी के साथ ही वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के अनूप सांडा ने जीत दर्ज की थी। अनूप सांडा ने बीएसपी के मोहम्मद ताहिर खान को 6,812 वोटों से हरा दिया था। सुल्तानपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। 1957 में पहली बार यहां की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस के कृष्ण कुमार यहां से विधायक बने थे। 1962 में कांग्रेस यहां काबिज हुई और अब्दुल सामी विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1967 में जनसंघ के बढ़ते प्रभाव ने कांग्रेस को पटकनी दे दी, जिसके बाद 1969 तक राम प्यारे शुक्ला विधायक रहे। 1974 में भी जनसंघ लगातार तीसरी बार विजय हुई। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की, जिसके बाद 1980, 1985 और इसके बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुईद अहमद ने बाजी मारी थी। 90 के दशक में राजनीतिक समीकरण बदले तो भाजपा ने कांग्रेस से सीट को हासिल किया और राम प्यारे शुक्ला सिंह तीसरी बार विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि 1993 के चुनाव में बरकत अली खान ने जीत दर्ज की, सपा का खाता यहां खुला।
तो देखिए लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि सुल्तानपुर का सियासी समीकरण क्या कहता है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, पहली बार कांग्रेस के कृष्ण कुमार इस सीट से विधायक बने थे। इसके बाद आपको बता दें कि 1962 में कांग्रेस यहां काबिज हुई और अब्दुल सामी विधानसभा पहुंचे थे। तो यूपी की राजनीति में सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट को शुभ माना जाता है। हालांकि आंकड़े भी कहते हैं कि जिस पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीता, सत्ता में वही दल काबिज हुआ। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की और सरकार बनाई। इस चुनाव में बीजेपी के सीताराम ने बीएसपी के राजप्रसाद उपाध्याय को 18,773 वोट से शिकस्त दी थी। तो वहीं 2012 में यहां पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव में सपा के अरुण कुमार ने जीत दर्ज की थी। अरुण कुमार ने बीएसपी के राजप्रसाद को 20,907 वोटों से हराया था। ।2009 के परिसीमन से पहले सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट का नाम जयसिंहपुर था। 2012 में यहां पहली बार चुनाव हुआ था। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बात सही लगती है कि इस सीट पर हमेशा सत्ता दल का ही विधायक रहा। सत्ता की लहर में परिवर्तन को यहां के वोटर्स भाप जाते हैं। 1969 में कांग्रेस प्रत्याशी श्याम कुमार के जीत दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब 1977 में पूरे देश जनता पार्टी की लहर चली तो मकबूल हुसैन खान विधायक बने यहां से। 1991 में जयसिंहपुर सीट से पहली बार बीजेपी का उम्मीदवार जीता। इसके बाद सूबे में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। तो वहीं 1993 के उपचुनाव में जयसिंहपुर से सपा के ए रईस को जीत मिली और प्रदेश में सपा के बसपा से गठबंधन कर सरकार बनाई थी। 1996 से 2007 के बीच बीएसपी प्रदेश की सत्ता के केंद्र में रही और इस दौरान जयसिंहपुर सीट की 1996 में राम रतन यादव, 2012 में सपा से अरुण वर्मा ने यहां जीत दर्ज की थी और सपा की सरकार बनी थी। तो वही 2017 की अगर बात करें तो 2017 में फिर भाजपा के सीताराम ने यहां से जीत दर्ज की और राज्य में योगी सरकार बनी। 2017 में सदर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव का आगाज किया था, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में आना तो दूर, मोदी लहर में सम्मानजनक स्थिति में भी नहीं पहुंच सकी। अब 2022 का विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीट से चुनावी शंखनाद किया है। चलिए अब बात लंबुआ सीट की करेंगे। लंबुआ सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी के देवमणि द्विवेदी ने बीएसपी के विनोद सिंह को 12,903 वोट से मात दी थी। तो वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के संतोष पांडे ने जीत दर्ज की थी। संतोष पांडे ने बीएसपी के विनोद सिंह को 17,372 वोटों से हरा दिया था। तो वहीं अयोध्या से नजदीक होने की वजह से इसका पौराणिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान धोपाप धाम है। मान्यता है कि इस धाम पर भगवान श्री राम ने आकर पूजा की थी और रावण की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गोमती नदी में स्नान कर अपने धनुष बाण को धोया था। लंबुआ विधानसभा लखनऊ और वाराणसी NH 56 पर स्थित है। ये सुल्तानपुर जिले की सबसे बड़ी आबादी वाली विधानसभा है। पहली बार इस विधानसभा में 957 में चुनाव हुआ था। 989 के विधानसभा चुनाव के बाद आज तक कांग्रेस को यहां पर मौका नहीं मिला है। तो देखिए लगातार हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। लंबुआ का सियासी समीकरण क्या कहता है इस पर भी एक नजर डाल देते हैं ग्राफिक के जरिए। तो 1957 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि 1989 के बाद कांग्रेस को यहाँ से मौका नहीं मिला एक बार भी। अयोध्या से नजदीक होने की वजह से पौराणिक महत्व यहाँ का बहुत ज्यादा माना जाता है।
धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान धोपाप धाम है। चलिए बात अब कादीपुर सीट की भी कर लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कादीपुर विधानसभा सीट से सपा कांग्रेस के गठबंधन से विधायक रहे रामचंद्र चौधरी के बेटे अंगद चौधरी, बसपा से दो बार विधायक रहे भगेलू राम और बीजेपी से राजेश गौतम चुनावी मैदान में थे। यहां बीजेपी उम्मीदवार राजेश गौतम ने दोनों दिग्गजों को पटकनी देते हुए, आपको बता दें 86 और 136 वोट लेकर भाजपा का परचम कादीपुर में लहरा दिया था। तो वहीं 2012 में चली साइकिल की रफ्तार ने सबको पीछे छोड़ दिया और रामचंद्र चौधरी यहां से विधायक बने। सपा के रामचंद्र चौधरी ने बीएसपी के भगेलू राम को 38,110 वोटों से हराया था। वहीं पुराने दौर में कादीपुर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। यहां कांग्रेस के टिकट जीत की गारंटी मानी जाती थी। इस विधानसभा पर पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे। इस सीट पर कांग्रेस ने लगातार 11 बार कब्जा किया। तो वहीं 90 के दशक में चल रही राम लहर पर सवार होकर बीजेपी ने कांग्रेस के इस गढ़ को तोड़ दिया और 1991 के चुनाव में काशीनाथ विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि भाजपा जीत दोहरा नहीं पाई और इस सीट पर बसपा काबिज हुई। 2002 और इसके बाद 2007 में बसपा के भगेलू राम लगातार दो बार यहां से विधायक बने। तो वही 2017 की मोदी लहर में भाजपा ने 25 साल बाद इस सीट पर कब्जा किया और राजेश गौतम विधायक बन गए। तो देखिए कादीपुर का सियासी समीकरण भी ग्राफिक्स के जरिए हम देख लेते हैं कि सीट पर 11 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1991 में भाजपा का कांग्रेस के गढ़ पर कब्जा हुआ था। इसी के साथ ही 2017 की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी ने 25 साल बाद यहां पर जीत दर्ज की। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम 2022 की बिसात में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।